नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी की वर्णमाला में बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करना। दोस्तों, जब ये बड़ी ई की मात्रा किसी व्यंजन से मिल जाती है तो इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? इनका उच्चारण करना बहुत जरूरी है और इनका उच्चारण इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे भूलवश बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लिखकर आ जाते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में वर्तनी भी पूछी जाती है कि इसकी वर्तनी कैसी होगी, इसकी वर्तनी कैसी होगी, तो चार ऑप्शन आते हैं, चारों ही हमें कैसे प्रतीत होते हैं, सही प्रतीत होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, भूल वश हम गलत कर जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि बड़ी की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार होता है। तो रोमन लिपि में इसका उच्चारण ई और ई से मिलकर होता है, ई और ई से मिलकर होता है, ई और ई से मिलकर क्या बनती है, हमारी बड़ी ई। तो इसको थोड़ा दीर्घ स्वर में बोला जाता है, ना कि हृष्य स्वर में। तो हम देखते हैं यहां पर शब्द आगामी क्या है, ये आगामी, अगर हम इसे बोले आगामी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या है हमारा आगामी। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, हमारी MEE मी। फिर क्या है, चाहर दीवारी, तो ये देखिए दीवारी, अगर हम इसको बोलेंगे चाहर दीवारी तो क्या हो जाएगा, गलत उच्चारण हो जाएगा। तो चाहर दीवारी, तो दी की क्या बनेगी स्पेलिंग, DEE, और री की क्या बनेगी, REE। फिर क्या है, गृहस्थी, क्या है हमारा गृहस्थी, तो देखिए था, तो क्या बनेगी इसकी, TH EE, थी। फिर क्या है, श्रीमती, तो देखिए दोस्तों ये जो श्रीमती है ये अधिकतर गलत लिखते हैं लोग, इसमें बड़ छोटी की मात्रा लगा देते हैं, ता में क्या लगा देते हैं, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जबकि इसमें क्या आती है, बड़ी की मात्रा आती है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, श्रीमती। फिर क्या है ये, प्रदर्शनी, क्या है ये, प्रदर्शनी। संग्रहित, क्या है ये, संग्रहित, अगर हित छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द ही गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमको किसी का हित नहीं करना है, यहां पर हमें इकट्ठा करना है, संग्रहित। फिर क्या है, शुद्धिकरण, क्या है हमारा ये, शुद्धिकरण, यहां पर छोटी की मात्रा लगाते हैं अधिकतर और यहां पर छोटी की मात्रा लगाते हैं, जबकि इन दोनों शब्दों में बड़ी की मात्रा आती है। फिर क्या है, सर्वजनीन, सर्वजनीन। फिर क्या है, वाणी। फिर क्या है, प्रतीक्षा, क्या है ये, प्रतीक्षा, इसमें भी अधिकतर छोटी की मात्रा लगाकर आते हैं, जबकि ये क्या है, बड़ी की मात्रा और दीर्घ संधि है इसमें, कौन संधि है इसमें, दीर्घ संधि। फिर क्या है ये, प्रतीक्षा। फिर क्या है ये, रीति, क्या है ये, रीति, रीति मतलब खाली, अगर हमने यहां पर ता में छोटी की मात्रा लगा दी तो रीति अलग बन जाता है, अर्थात एक प्रकार की प्रणाली, तो ये क्या है, बड़ी की मात्रा आती है, रीति। आजादी, क्या है ये, आजादी। तुर्की, बीमार, इस बीमार में भी अधिकतर छोटी की मात्रा लगाते हैं, जबकि उसका उच्चारण क्या होगा, बीमार। फिर क्या है, पीर, क्या है ये, पीर। फिर क्या है ये, उल्लेखनीय, क्या है ये, उल्लेखनीय। फिर क्या है ये, भगवती, क्या है, भगवती। फिर क्या है ये, अधीन, क्या है ये, अधीन, आप मेरे साथ इसका उच्चारण करके देखना। फिर क्या है ये, गोपनीय, क्या है ये, गोपनीय। फिर क्या है, परीक्षण, इसमें भी अधिकतर छोटी की मात्रा लगाकर आते हैं बच्चे, तो क्या है ये, परीक्षण। फिर क्या है ये, परीक्षा, इसमें भी अधिकतर बच्चे मैंने देखा है छोटी की मात्रा लगाकर आते हैं, जबकि इसका उच्चारण करके देखिए आप, परीक्षा।
इसमें भी दीर्घ संधि है और इसकी क्या निकलेगी स्पेलिंग, आर डबल ई, री की क्या निकलेगी, आर डबल ई, परीक्षा। फिर क्या है भीष्म, फिर क्या है शताब्दी, फिर क्या है माननीय, फिर क्या है पत्नी। पत्नी में अधिकतर बच्चे छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं जबकि पत्नी में बड़ी की मात्रा आती है। पत्नी, वीणा, तो ये क्या है वी, तो वीणा, तो इसकी भी क्या बनेगी, वी डबल ई, वीणा, वीणा। ये क्या है प्रतीक, क्या है ये प्रतीक। इसमें भी मैंने देखा है बच्चे अधिकतर छोटी की मात्रा लगाकर आते हैं जबकि ये क्या है प्रतीक, इसमें भी दीर्घ संधि है। फिर क्या है पीढ़ी, क्या है ये पीढ़ी। फिर है फर्नीचर, क्या है फर्नीचर। वीर, फिर क्या है शीतल, फिर क्या है आत्मीयता, क्या है ये आत्मीयता। फिर क्या है डायरी, फिर क्या है काली। तो इसको हमें थोड़ा खींचना पड़ता है दोस्तों क्योंकि ये दीर्घ स्वर है जबकि छोटी ई हृस्व स्वर है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था छोटी ई के लिए आई का प्रयोग किया जाता है रोमन में और बड़ी के लिए दो बार ई अर्थात डबल ई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो आप इसका उच्चारण करके देखिएगा, समझिएगा और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।